कमल पे फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना चिकना। पानी में आग लगा देने वाला ये फड़कता हुआ गाना आज भी सुनने वालों के बदन में आग लगा देता है। कमल के फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना। इस गाने पर कमसिन और हसीन रेखा ने जब अपने हुस्न का जलवा दिखाया तब उसके हुस्न ने सिने प्रेमियों के दिलों को तड़पा कर रख दिया। गजब तेरा बिखरा बिखरा आँख तेरी फितना फितना फितना। इस गाने में पर्दे पर केवल खूबसूरत हीरोइन है, पर्दे पर कोई हीरो नहीं है। आम तौर पर ऐसे सिचुएशन वाले गाने में पर्दे पर हीरोइन के साथ साथ हीरो भी होते हैं जो नायिका की खूबसूरती का बखान करने वाले गीतों पर अदायगी करते हैं, लेकिन इस गाने में हीरो का काम करती है मोहम्मद रफी साहब की आवाज। कमर जब लचकी लचकी फिसल गए इतना इतना इतना। बैकग्राउंड में रखे गए इस गीत पर रेखा इतराती और इठलाती हुए अपने हुस्न का मुजाहिरा करती है। नशा है हल्का हल्का नशा है हल्का हल्का। यह गाना 1974 में रिलीज हुई फिल्म दो आंखें का है। फिल्म तो नहीं चली लेकिन ये गाना ऐसा चला कि आज तक चल रहा है। ये जुल्फें लिपटी लिपटी ये आंचल लटका लटका ये आंचल लटका लटका। इस वीडियो में इसी कातिलाना गाने के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी और दुर्लभ जानकारियां देने वाले आपके पसंदीदा चैनल ग्रेट लीजेंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले के वीडियो में बताया है कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज पर्दे के हर अदाकार और कलाकार के लिए फिट बैठती थी। यह गाना इसी बात की पुष्टि करता है। मोहम्मद रफी साहब ने यह गाना किसी एक्टर के लिए नहीं बल्कि एक्ट्रेस के लिए गाया है। जिस फिल्म का यह गाना है वह फिल्म कब आई और कब चली गई इसका पता भी नहीं चला, लेकिन यह गाना खूब चला। कमल पे फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना चिकना। इस गाने को आप सुने तो ऐसा लगेगा कि गायक इस खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ अटखेलिया कर रहा हो और नायिका भी इस गाने का आनंद लेते हुए अपने हुस्न का मुजाहिरा कर रही हो। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी रेखा और विश्वजीत की। इस गाने के दो वर्जन हैं, हैप्पी और सैड। हैप्पी वर्जन को रेखा पर फिल्माया गया और सैड वर्जन को फिल्म के नायक विश्वजीत पर फिल्माया गया था। यह फिल्म जब रिलीज हुई थी तब रेखा अभिनय की दुनिया में अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। शायद यही कारण था कि रेखा ने कम बजट की इस फिल्म में काम किया। हालांकि 1970 में रिलीज हुई रेखा की पहली हिंदी फिल्म सावन भादो व्यावसायिक रूप से बहुत कामयाब रही थी। फिल्म सावन भादो के बाद भी रेखा की कई फिल्में आईं, लेकिन उन दिनों रेखा को फिल्मों में अभिनय के लिए नहीं बल्कि नाच गाने अपनी खूबसूरती दिखाने तथा नायक को रिझाने के लिए ही रखा जाता था। इसलिए रेखा ने अपने अभिनय में निखार लाने की खूब कोशिश की और 1978 में फिल्म घर और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों के बाद से रेखा ने अभिनय के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा लिया। हालांकि दो आंखें कम बजट की छोटी फिल्म थी लेकिन इसके गाने खूब लोकप्रिय हुए। कमल के फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया एक और शानदार गाना था लड़की 1970 की। यह गाना एक अलग तरह का गाना है और मोहम्मद रफी ने इस गाने को जिस अलग अंदाज में गाया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लौंडिया 1970 की हाय हाय लड़की 1970 की हाय हाय हाय। रफी साहब ने एक और गाना मीनू पुरुषोत्तम के साथ गाया था हीच कांटा। एक गाना आशा भोसले का है बाबू बाबू दिल पर नहीं काबू। जहां तक कमल के फूल जैसा वाले गाने की बात है यह गाना श्रृंगार रस का गाना है जिसमें नारी जिस्म के सौंदर्य का बखान कमल के फूल के तौर पर किया गया है। इस गाने को लिखा था वर्मा मलिक ने और संगीत दिया था रसराज बहल ने।
जहां तक गीतकार वर्मा मलिक की बात है, उनके लिखे एक गाने को तो आपने हर शादी ब्याह के मौके पर सुना होगा। ये गाना है आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। उन्होंने 70 के दशक में 2 बार अपने गीतों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल किया था। फिल्म सावन भादो का रेखा पर फिल्माए गाने को भी उन्होंने ही कलमबद्ध किया था। कान में झुमका, चाल में झुमका, कमर पे चोटी लटके। हंसराज बहल ने प्रेमनाथ पर फिल्माए गए एक रोमांटिक गीत की धुन बनाई थी, मोहब्बत जिंदा रहती है। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। इस गीत में मोहम्मद रफी साहब ने खास तौर पर चलिया शब्दों का उच्चारण पूरी ताकत से किया है। चलिया ओ मेरी जाने तमन्ना, दिल की महफिल में चलिया। संगीतकार हंसराज बहल को एक अत्यंत मशहूर देशभक्ति गीत को संगीत देने का भी श्रेय जाता है। ये गीत है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। रफी साहब की आवाज में फिल्म सिकंदर आजम के इस गीत को सुनकर आज भी हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। ये गीत राग सुधा कल्याण पर आधारित है। कोई भी राष्ट्रीय समारोह हो, ये गीत अनिवार्य तौर पर गाया बजाया जाता है। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। हालांकि गाने फिल्मों के सिचुएशन के अनुसार लिखे और गाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गानों का अस्तित्व फिल्मों के अस्तित्व से अलग होता है। गानों की सफलता और फिल्म की सफलता एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होती है और अलग अलग भी होती है, और गानों के लोकप्रिय होने पर फिल्में भी लोकप्रिय हो जाती है। लेकिन कई बार फिल्में भले ही लोकप्रिय नहीं हों, उनके गाने लोकप्रिय हो जाते हैं। दो आंखें फिल्म को आज भले ही कोई नहीं जानता, लेकिन इसका ये गाना आज भी लोगों की जहन में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह गाना आपको कैसा लगता है और इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। कमल के फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना।